अगर आपने सीयू सेट एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लाइक एक्सेप्टेड कट ऑफ एंड आपकी कैसे देखनी है वगैरह, सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पेपर में की देखने में प्रॉब्लम है तो मैंने क्या किया, जो लाइफ साइंस का पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके आगे मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से आंसर लिख दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर लेना। ये एक्स्ट्रा लाइक ये अभी इसमें जो भी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लगती है आंसर में, तो आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है, कैसे करना वो भी मैं बताऊंगी, बट पहले आपको एक काम करना है, वेट बता दे, सिंपली आपको ये गूगल फॉर्म दिखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपकी ईमेल नेम एंड आपका जो भी कोड है, लाइक लाइफ साइंस है या फिर एनवायरमेंटल साइंस है, और आप को किस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, एक से ज्यादा जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे वो सारा टिक कर देना, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो वो सारा कर देना, एंड आपका कितने आंसर की में कितने मार्क्स बन रहे हैं ना, वो भी आप अपने जो भी मार्क्स है वो लिख लेना, और आपकी कैटेगरी क्या है वो भी आप लिख लेना। इससे क्या होगा ना कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं परफेक्ट डेटा के हिसाब से, और इससे आपको भी प्रॉफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं मेरी लाइन कहाँ तक स्टैंड कर रही है और मेरा लाइक कितना चांसेस है, तो इस फॉर्म को सबमिट करना है। फिर आपको क्या करना है, आपकी नजर में जितनी भी एमएससी एंट्रेंस जिन्होंने लाइफ साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, अगर ये दो एंट्रेंस एग्जाम दिए ना, उनके साथ ये जो पीडीएफ है, ये वाला जो लिंक है, आप शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि मुझे एक से ज्यादा फॉर्म फिल करना है, तो वही है कि दूसरी आईडी, एक आईडी से एक ही फॉर्म फिल होगा, दूसरी आईडी से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। ओके, वैसे एक बार में ही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, अगर मिस्टेक हो जाए तो आप कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर की आपको वेबसाइट पे कैसे देखना है, तो सिंपली आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा आंसर की चैलेंज, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपका लॉगिन का आएगा, लॉगिन कर लेना अपना पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फिर यहाँ पे देखो जैसे आप लॉगिन करोगे ना, यहाँ पे व्यू क्वेश्चन पेपर आएगा एंड व्यू चैलेंज आपका आएगा, चैलेंज आंसर की, तो सिंपली क्या करना है देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की आईडी दे रखी है और आपके आंसर की आईडी दे रखी है, उसको आपको यहाँ व्यू चैलेंज के साथ मैच करना है। बता आंसर की पे व्यू पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा, तो देखो क्वेश्चन जो भी आईडी है आपकी वो क्वेश्चन आईडी हो गई, फिर इसका आंसर कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है तो आप मैच कर लो, तो यहाँ पे आपको 172 मैच है, दैट मींस ये मैच है, उसका मतलब वो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, तो ऐसे करके आप अपने आंसर की को मैच कर सकते हो। बाकी मैंने तो बताया, मैंने लाइक पीडीएफ दे दिया है, वो वहीं से चेक कर लेना, इतना इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और अब ये है कि क्वेश्चन को क्लेम कैसे करना है, राइट, तो देखो हमें पता है कि क्वेश्चन के चार्ज है ना काफी ज्यादा, लाइक 200 रुपीज समथिंग है, तो आपको क्या करना होगा, देखो कैसे क्लेम करना है, सिंपल आपको बता देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, सपोज कर लो कि इसका आंसर थर्ड होना चाहिए है ना, और आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है। ओके तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये तो हटा देना, ये थर्ड कर देना आपको, फिर ये क्यों होगा, इसका कौन सी बुक से आपने रेफरेंस लिया, इस ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कोई अदर किसी इंस्टीट्यूट की बुक या वगैरह आप उठा के रेफरेंस दे दो, ऐसा नहीं करना, आपको उसकी स्टैंडर्ड बुक है ना उसी का ही आपको रेफरेंस देना एंड उसी का ही माना जाएगा। ओके तो वहां पे आपको रिमार्क दे देना, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लाइक ये क्वेश्चन है आपका, इसमें रिमार्क दे दिया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाके सेव योर क्लेम यहाँ पे क्लिक करना, जो भी पेमेंट का ऑप्शन आएगा वो पेमेंट कर देनी। एक चीज और कर सकते हो आप, मान लो कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है बट आंसर की में ये दे रखा है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे काफी स्टूडेंट है, उनके साथ क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए, जिन जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन लाइक सेम आ रहा है, तो आप सब मिलके, अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन के लिए अपोज करना ही करना है, तो सब मिलके आपस में कंट्रोल कर लीजिए कि इतने इतने रुपीज आप आपस में कंट्रोल कर लेंगे, और ऐसे फिर एक जना क्लेम कर लेगा, काफी सबके सही हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि जो एक करेगा तो एक करेगा ना तो सबका आंसर सही हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ध्यान रखना लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, काफी स्टूडेंट ने लाइक क्लेम किया ही नहीं था, तो आंसर की चेंज हुई नहीं थी, उससे कुछ कंडीशन में आपका आंसर भी चेंज नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, क्लेम करना है, भले ही कोई अदर करे या ना करे, अपनी साइड से क्लेम जरूर कर लेना। तो ये कुछ बातें हैं तो आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका वेबसाइट अभी तक लाइक ओपन नहीं हो रही है, तो उनका भी मैं बता देती हूँ, तो अगर आप अपने सीयू सेट की वेबसाइट ओपन करोगे, अगर आपको इस टाइप का शो हो रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा एडवांस है ना, उस यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है, फिर आपको इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, ये जो प्रोसेस जो सीयू सेट है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो गूगल फॉर्म आप
भर देना, फॉर्म फिल कर देना, अच्छे से फिल करना, कोई भी उसमें ऐसे अपने मन से कुछ मत डालना, ओके, ताकि हम एक परफेक्ट वे में डेटा कलेक्ट कर सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जो एमएससी लाइफ साइंस एंड द सीयू सेट एनवायरमेंटल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ओके। फिर इसके बाद में मैं इसकी आंसर की भी रिलीज कर दू, आपकी जो भी कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्या कट ऑफ क्या कट ऑफ रहने वाली है पर कैटेगरी के हिसाब से, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।